प्रकाश टीवी देखने वालों का मैं शशि चौरसिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो जैसा आप सभी को पता है कि पंचकुला में मेयर और पार्षद पद को लेकर कल यानी 27 दिसंबर को यहां पे इलेक्शन है, उसको लेकर जोरों शोरों पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जितने भी वार्ड्स और सेक्टर्स में बूथ बनाए गए हैं वो टोटल तो 275 है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं पहुंची हूं आज 16 सेक्टर में, जहां पे एक बूथ बनाया गया है सेंट सोल्जर स्कूल में, वहां पे तैयारियां जो है वो कुर्सी मेज लगने शुरू हो चुके हैं। लेकिन साथ में आप देख सकते हैं इस तरफ यहां पे टेंट भी लगाए गए हैं, जो अलग अलग पार्टीज हैं कि जो लोग आएंगे इलेक्शन वोटिंग के लिए उनको वो पर्चे बांटेंगे कि उनके सपोर्ट में वोट किया जाए, उसको लेकर एक तरफ उनकी भी पार्टीज की भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। और मैं आपको टाइमिंग बता दूं, टाइमिंग है पोलिंग, जो आपको इलेक्शन डालना है वोट करना है उसका टाइमिंग 27 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 बजे तक है। तो अभी ईवीएम मशीन के बारे में बता दूं कि ईवीएम मशीन शाम को पहुंचाए जाएंगे यहां पे, उसके साथ ही फोर्सेस और जो भी तैनात पुलिस द्वारा सिक्योरिटी पर्पस को लेकर यहां पे लगाए जाने हैं, यहां पे चौकियां लगाई जानी है उनके द्वारा, उसकी तैयारी कल सुबह से शुरू होगी। मैं सभी जो पंचकुला के वोटर हैं जो यहाँ पे कल 27 तारीख को वोटिंग करने जाएंगे, उन सबको पुलिस प्रशासन की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरा बिल्कुल वो स्वतंत्रता से और निर्भीक होके अपने जो मत का अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, और ये लोकतंत्र की नींव जो है वो इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को पुलिस जो है वो अपनी भूमिका इसमें कानून व्यवस्था की और निष्पक्ष चुनाव करवाने की का पूरा प्रयास करेगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी वोटरों को फिर से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएं, और पंचकुला पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए। और सभी असामाजिक तत्वों को भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि वो किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास ना करें, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि साथ में कोरोना जो वायरस को लेके सावधानियां बरती जानी है उसकी भी तैयारियां, उसके भी मद्देनजर में यहां पे काफी तैयारियां होंगी। और साथ में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पे मोबाइल इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग के टाइम पे मोबाइल लाना सख्त मना है, तो कृपया आप अगर वोटिंग के लिए आए तो अपना मोबाइल साथ लेकर नहीं आए। देखते हैं कि कल 27 दिसंबर को कैसा रहता है पोलिंग बूथ का हाल और कैसा रहता है इलेक्शन का रिजल्ट। तब तक के लिए आप बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर, मैं शशि चौरसिया कैमरामैन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।